हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज भैया, आज का ब्लॉग हमारा बहुत अच्छा होने वाला है और शानदार होने वाला है। कोशिश तो हम वही करेंगे पूरी पूरी हैं, बट कोशिश करेंगे। मतलब हमारी तबीयत सही नहीं है ना, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है कुछ हैं, तो नहीं होगा खास करके इतना दिक्कत तो हम होने नहीं देंगे हैं। तो अभी हम इधर आए, घर पे ब्लॉग शूट नहीं कर रहे हम, घर से इधर आए और इधर चल के दिखाएंगे आपको। इधर धान सूख रहा है और भी लोगों का सूख रहा था, जो कि कल यहाँ से बरसा के लेके चले गए थे, मतलब 12 मंडे के लिए। तो भैया आज तो उधर अशोक गहलोत आएगा, मतलब आ गया। ये वीडियो शायद आप कल देख रहे होंगे हैं क्या, आप कल देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो कोई नहीं, आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली। मैंने बोल दिया ना ऐसा, तो आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, अभी हम मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, आप देख सकते हो चारों तरफ का ऐसा नज़ारा है, देख सकते हो। हाँ, और मैं बोल रहा था ना कि वो जिस वजह से, मतलब वो लेके तो गए थे यहाँ से धान को बरसाने के बाद, बिट विट भर के वो लेके गए थे, बट वापस आ गए। इसी वजह से वापस आए कि वहाँ से निकलने नहीं दे रहा था, रास्ता नहीं है फिर, तो इसी वजह से वो वापस से बम्बोरी से वापस आ गए फिर क्या। और आपको मेरी शक्ल भी बता रही होगी भैया कि नमट चुका है लोंडा बिल्कुल ही है। ये देखो साला फोकला चेंज हो गया हमारा। तो ये भैया गणेश जी महाराज चूतरा है, तो यहाँ पे दे लो इन को ढोक हैं, और इधर का नज़ारा देख लो। हम चलते हैं उधर, तो उधर का दिखाएंगे आपको नज़ारा, तो उधर का कैसा नज़ारा, कैसा व्यूज है, तो हम उधर का दिखाएंगे आपको। तो भैया उधर वो रहा, आ रहा हूँ मैं, वही आ रही हूँ मैं। तो भैया वो रहा वहाँ पे एक बंदा, जो कि धान को भैया धान में पाँव दे रहा है, मतलब तो वह चल के दिखाएंगे आपको अच्छे से। अरे इधर तो भैया चमक गया मैं यार, क्या बात है भाई हैं, एकदम हम तो हीरे लाल लग रहे हैं बिल्कुल ही। फोटो लीजिए हमने एक, क्योंकि भैया हीरे लाल लग रहे हैं, तो भैया फ़ोटो लेना तो बनता है बेशक हैं। तो इधर देखो भैया क्या क्या लगा रखा है, बहुत परेशानी आती है सस्वा, क्या करें, निकलना पड़ेगा। आगे भी काटे वाटे बिछा के रखे हैं, तो भैया हटाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा हमें, मजबूरी है भैया। तो आप इधर का चारों तरफ का सीन देखो, ये भैया हम दिखाते हैं ऐसे, और भैया वापस हम पे आ गया कैमरा। तो भैया वापस इधर से आए, उधर का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, तो भैया इधर होकर निकलेंगे। अरे भैया वो लग रहा भैया, तो भैया नीचे उतरते हैं, हैं सांस भरता भैया अब। तो भैया इधर होकर निकलूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा, निकलते हैं बट। अच्छा, इसको ऐसे हटाया और हम निकल गए, टंटने निकल गए भैया। तो ऐसा कुछ नज़ारा है अभी। इधर भैया हमारे घर हैं, हैं पटेलों की बाड़ी है इधर क्या, और इधर भैया सड़क बन गई है क्या, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। मक्खी मतभेद पे नाक पे हैं, तो हम चल रहे हैं इधर, इधर का दिखाएंगे आपको व्यूज, कैसा व्यूज है हैं, और कैसा धान है, तो आपको धान भी दिखाएंगे। कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे कैसा रहता है धान हैं, चावल कहाँ से आते हैं, कुछ वही चावल हम उगाते हैं क्या, फिर आपके पास आते हैं और हमें तो भैया कुछ भाव भी नहीं मिलता है, साले दुकानदार वो व्यापारी करते हैं भैया थे, तो भैया उसी हिसाब से बेचना पड़ता है, क्या करें। तो भैया इधर लोंडा दे रहा है पैर, इधर का नज़ारा देखो आप,
और भैया लोंडा दे रहा है धान के अंदर पैर, तो दिखाएंगे आपको। ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब का, वीडियो बना रहे हैं ट्राई। तो भैया ये दे रहा धान के अंदर पैर, ये देखो। हाय गाइस, हाय गाइस कर रहा है आपसे। तो ये देखो, इसको बोलते हैं धान, ऐसा ही रहता है कि धान उतार बता दो ना। हाँ, ये इसको बोलते हैं धान। क्या ये इससे, इसमें से निकलते हैं चावल क्या? और अभी दे रहा है लोंडा पैर, तो इन्हों को खाते हो आप क्या? हाँ? स्वाद ले ले के, तो ऐसा सीन रहता है क्या? तो ऐसा है भैया, यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, इतना सारा धान सूख रखा। और भैया इधर काफ़ी में सूख रखा था भैया, तो कल यहाँ से 5 बिट इधर से गए, 2 बिट उधर से गए, हैं तो टोटल 7 बिट धान गया यहाँ से। तो ऐसा यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। आपसे मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।